हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निशा होम किचन। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पानी पूरी के लिए जो पानी बना के तैयार करते हैं उसमें जो हम चटनी मिलाते हैं, तो इस चटनी को हम बना के स्टोर कर सकते हैं हफ्ते दो हफ्ते के लिए। तो चलिए बनाते हैं, लेकिन इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में दिए हुए बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली हर नोटिफिकेशन आप पर तुरंत पहुँच सके। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, गोलगप्पे या पानी पूरी किसको खाना नहीं पसंद है, ये सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। इसको सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है और इसको सभी लोग अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जानते हैं। तो आज हम आपको पानी पूरी के जो पानी बनाते हैं उसकी चटनी बनाने का तरीका बताएंगे कि किस प्रकार से आप बना के इसको हफ्ते दो हफ्ते स्टोर कर सकते हैं और जब भी आपका मन करे तो आप बना के खा सकते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी में चटनी बना के रखेंगे। तो यहाँ पर 250 ग्राम धनिया की पत्ती लिया है और 250 ग्राम पुदीना की पत्ती लिया है और इसको अच्छे से भीन के साफ़ कर लिया है और ये बिल्कुल ताज़ी फ्रेश पत्ती हैं। और इसके बाद यहाँ पर और इंग्रेडिएंट्स लेंगे। तो और चटनी में डालने के लिए ये 100 ग्राम के करीब मैंने मिर्ची ली हुई है और 50 ग्राम अदरक लिया हुआ है जिसको बारीक काट लिया हुआ है और 50 ग्राम लहसुन है जिसको मैंने छील लिया है। और अब इसके बाद इसको हम पीसने के लिए यहाँ पर एक मिक्सी जार ले लेंगे और मिक्सी के अंदर ये मिर्च डाल देंगे, अदरक और लहसुन सारी चीज़ों को डाल देंगे और डालने के बाद अब ढक्कन से इसको कवर कर देंगे और इसको बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। तो मिक्सी को रोक रोक के पीसिएगा जिससे मिक्सी ख़राब भी नहीं होगी। इसमें अभी पानी बिल्कुल नहीं डाला था और इसको मैंने रोक रोक के पीसा है और इसके अंदर थोड़ा सा पुदीना डालेंगे और इसके बाद इसको दोबारा से हम घुमाएँगे और घुमाने के बाद इसके अंदर 2 टेबल स्पून पानी डालेंगे। पानी हमें बहुत कम यूज करना है, जितना कम यूज करेंगे उतनी ज़्यादा देर तक ये चटनी रुकेगी। और इसके बाद मिक्सी जार पे ढक्कन लगा के इसको हम फिर से पीसेंगे और ये देखिए ये बिल्कुल बारीक पीस चुकी है। अब इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे और चटनी को हमने एक बाउल में निकाल लिया है। इसके बाद हम धनिया और पुदीना को दोबारा से इसी मिक्सी जार में डाल लेंगे और इसमें 2 टेबल स्पून पानी डालेंगे और इसके बाद ढक्कन के जार को बंद कर लेंगे और इसके बाद मिक्सी को रोक रोक के हम दोबारा से पीसेंगे और ये देखिए बिल्कुल बारीक पीस चुकी है। अब इसके बाद इसको भी हम इसी चटनी वाले बाउल में डाल लेंगे और इसके बाद जो बची हुई धनिया की पत्ती और पुदीना है उसको भी हम इसी तरह से पीस लेंगे। इसमें पानी जितना कम से कम यूज करेंगे चटनी उतनी ज़्यादा देर तक रुकेगी। और इसके अंदर हम 2 टेबल स्पून पानी डाल लिए और ढक्कन को बंद करके और इसको हम दोबारा से पीस लिए हैं और ये देखिए बिल्कुल बारीक पीस चुकी है। बस मिक्सी को रोक रोक के चलाएंगे तो चटनी बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी पिस जाएगी और मिक्सी बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। और इस तरह से हम चटनी बना के रख सकते हैं। ये लॉकडाउन इस समय चल रहा है तो आप इस तरह से चटनी बना के रख लीजिए और जब भी आपको पानी पूरी खाना हो तो आप इस चटनी को घोल दीजिए और इसके अंदर कच्चे आम को उबाल के आम के पल्प को मिक्स कर दीजिए और जब भी खाना हो आपको तभी ये चटनी का पानी बनाइए और इसमें पानी, नमक और सारी चीज़ें तभी इसमें ऐड करिए। और ये देखिए यहाँ पर चटनी बिल्कुल बन गई है। इसको मैंने दोबारा से ग्राइंड कर लिया है और ये चटनी आपस में मिक्स हो गई है और इसमें मैंने नमक बिल्कुल नहीं डाला है और ये तभी ये काफ़ी लंबे समय तक रख सकते हैं और ये चटनी बना के आप स्टोर कर सकते हैं हफ्ते दो हफ्ते और इसको जब भी आपका खाने का मन करे डाल के मिक्स करिए। और ये समय लॉकडाउन चल रहा है तो कहीं पर भी पानी पूरी या कुछ भी नहीं मिलता है तो हमें घर ही में बना के खाना होता है। तो ये वैसे बनाने में बहुत ज़्यादा झंझट लगती है, आप इस तरह से चटनी बना के रख लीजिए और झटपट पानी पूरी का पानी बना के तैयार कर सकते हैं। और आई होप आपको पानी की चटनी बनाने का तरीका पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने जानने वालों के साथ शेयर करिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।